यहाँ डिस्कशन चल रही है कि चाय मैं बनाऊंगा सबके लिए। भाई बढ़िया मैच चल रहा है और मेगा आज यहाँ पे ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के बैठी है। मुझे लग रहा है 200 भी शायद मुश्किल ही बनेंगे। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू होम टू मिन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव और आज है बहुत ही बढ़िया दिन। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, आज लाइव चल रहा है यहाँ पे। पीछे टीवी पे मैंने लगा दिया है, अभी यूके में 9:30 बज रहे हैं, मतलब 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बजे मैच स्टार्ट है। तो टॉस वगैरह हो चुके हैं अभी फिलहाल। तो आज जो हमने प्लान किया है, सारे फ्रेंड्स जो है वो साथ में बैठ के देखेंगे मैच, और आज हमें लंदन भी जाना है अपने फ्रेंड्स के घर पे। तो आज का दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैच स्टार्ट कर दिया ताकि सुबह का मैं मिस ना कर दूं। थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे और वहां पर बढ़िया हमारा परांठे और चाय का नाश्ता होने वाला है और साथ में मैच एंजॉय करेंगे। हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते क्रिकेट मैच वगैरह, टाइम नहीं मिल पाता इतना, लेकिन जब वर्ल्ड कप है और ऊपर से इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो ये तो मिस कर नहीं सकते यार। तो ऐसा मैच तो कभी कभी देखने को मिलता है, तो आज बढ़िया अपना एंजॉय करेंगे मैच और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि यूके में कैसे एंजॉय करते हैं सारे के सारे फैंस। और जहां पर भी हम जा रहे हैं आज फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, अगर देखते हैं वहां पे और फ्रेंड्स आए होंगे उनसे भी पूछेंगे कि क्या मजा आ रहा है मैच में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। अभी भी आ गई है सुबह सुबह, वैसे सुबह सुबह उठती नहीं है वीकेंड पे, आज उठ गई। एक्साइटमेंट है आज वाला मैच जो है ना। मैं वैसे क्रिकेट की मैं बोलूंगी नहीं बहुत बड़ी फैन हूँ, बट मैं कुछ कुछ जो इंडिया जब खेल रहा होता है तो मैं देख लेती हूँ मैच, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो वो तो सबसे ज्यादा आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। यार मैं तो यही बोलता हूँ, देखो इट इज अबाउट विनिंग समटाइम्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट वॉचिंग दिस मैच। हाँ मतलब वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो किसी और टीम के साथ नहीं हो सकता। मतलब इतना बड़ा स्टेडियम है, देखो कितना बड़ा स्टेडियम है और पूरा भरा हुआ है यार। आई एम श्योर लाइक पाकिस्तान में भी उतने ही प्यार से देखते होंगे जितना इंडिया में देखते हैं। तो यार मैं रेडी होके आया हूँ, अभी हमें पार्टी में जाना है और पहले उससे पहले विक्रम मेघा के घर पे जाना है। मैंने आगे देखा है और 3 आउट भी हो चुकी है, तो आज का जो मैच है ना बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और आज मौसम भी बहुत बढ़िया बाहर, तो अभी हम लोग जाएंगे लंदन, जाना है हमने फ्रेंड्स के यहाँ पे, पार्टी है वहाँ पे, बेबी शावर पार्टी। तो अभी भी रेडी हो चुकी है, हम लोग बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, परांठा पार्टी करते पहले, परांठे और चाय वाली पार्टी विक्रम मेघा के घर पे, फिर वहां से हम लोग निकलेंगे लंदन। तो आज बढ़िया मेरा और आज गौरव ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो तो भाई यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, ऑलवेज एवरग्रीन कॉम्बिनेशन। और मुझे ना आपके ये वाले जूते बहुत पसंद है, ये अच्छे है ना, बहुत अच्छे, बताऊंगा नहीं कहाँ से लिए। बट वेदर सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा गौरव की ड्रेस दिखाई है तो मैं अपनी भी ड्रेस दिखा दूं। हाँ तो अभी ने भी बढ़िया अपना पार्टी ड्रेस कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है और अभी निकलते हैं फिर यहाँ से सीधा विक्रम मेघा के घर पे। और लास्ट की समर बची है, थोड़ा सा सन दिख रहा है, तो मैंने कहा कुछ ब्राइट ड्रेस पहनी जाए, क्योंकि एक बार अगर विंटर आ गई फिर ना काले कुले कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। हाँ। वेदर को मैच करने के लिए ज्यादा ब्राइट पहन लो ना, लोग भी ऐसे दिखते हैं इसको क्या हो गया, इतने डल वेदर में इतने ब्राइट कपड़े की पहन के घूम रही है। मेरे को तो भूख लग रही है बहुत, तेज परांठे चाहिए मुझे तो गरम गरम। और मेरा ब्रेकफास्ट देख लो, ये अभी का ब्रेकफास्ट है, जैकेट अच्छी लग रही है। थैंक यू, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है विक्रम मेघा ने दिया है। चलो आओ भाई, यहाँ पहुंचे हो, यहाँ पहुंचते पहुंचते 5 आउट हो गए हैं, 166/5। मजा आ रहा है, मजा, पीछे शोर देख रहे हो। भाई बढ़िया मैच चल रहा है और मेघा आज यहाँ पे ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के बैठी है, वाह। विक्रम डार्क ब्लू है बट ब्लू तो है। हाँ ये भाई मैंने जीन्स पहनी है ब्लू, तो ब्लू होना चाहिए, और ये मेरी धर्म पत्नी है तो कुछ है, इसका नहीं चलता। भाई एक और आउट हो गया। भाई कितनी भीड़ है, कितनी, ओ सीधा बोल्ड। तो भाई मैच जो है वो बहुत ही मजेदार होने लग रहा है यहाँ पे, और 7 आउट हो चुके हैं, 171 का रन है, तो अभी मुझे लग रहा है 200 भी शायद मुश्किल ही बनेंगे। जीत गए हम। हाँ बढ़िया, जो भी है गेम अच्छी होनी चाहिए, जीते कोई भी, कि दोनों टीम्स ना इसको शिद्दत से खेलती है ये। हाँ ये तो है भाई, इंडिया पाकिस्तान सही में, और इसको देखने में भी इतना मजा आ रहा है भाई, इतना क्राउड आया हुआ है, इतना क्राउड आया हुआ है स्टेडियम में, पूरा फुल है, अहमदाबाद में हो रहा है ना। भाई टिकटें मिलनी मुश्किल हो गई, टिकटें मुश्किल थी इसकी सही में, बहुत सही है यार। भाई पराठे आ चुके हैं यहाँ पे गरम गरम एकदम, बहुत दिनों बाद मिला है। अभी
अभी एंड अभी की चुप परांठे कहाँ है भाई परांठे भाई सारे आ चुके हैं और यहाँ पे बढ़िया अपना मैच का प्लान इंडिया किचू करता है ये लड़का फिर से उठने वाला है बेबी प्लेट लेके जा प्लेट लेके जा बाय और बेबी इंडिया के बैटिंग के टाइम पे देखो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा तो हम लोग निकल चुके हैं विक्रम मेगा के यहाँ से और बढ़िया अभी जा रहे हैं लंदन डेढ़ घंटे का रास्ता है 1 घंटा 10 मिनट बचे हैं बढ़िया अपना वहाँ पे चलते हैं और फ्रेंड से मिलते हैं क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है किसी किसी वीकेंड पे हम लोग इतने फ्री होते हैं और किसी किसी वीकेंड पे ना कहीं कहीं जगह पे जाना पड़ जाता है तो अभी हम लोग जा रहे हैं मन भी बहुत था यार उनसे मिले भी नहीं है काफी टाइम से तो वहाँ चलते हैं मिलते हैं उनसे पार्टी वार्टी हो रही है वहाँ पे पार्टी अटेंड करते हैं और आपको भी मिलाते हैं वेदर भी बहुत बढ़िया हो गया और ड्राइव बहुत अच्छी है M40 है लंदन का ऐसे वेदर में ना ड्राइव करने का मजा आ जाता है हाँ मतलब थोड़ा टाइम ही बचा है अब सर्दियाँ आ जाएंगी और सर्दियों में आपको पता ही है 4-5 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है पूरा डिप्रेसिंग सा हो जाता है मुझे लगता है दिसंबर एंड तक सब बढ़िया रहता है क्योंकि क्रिसमस टाइम है तो बहुत सही रहेगा जनवरी स्टार्टिंग में भी क्योंकि न्यू ईयर ईव है उसके बाद जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने होते हैं थोड़े बहुत डिप्रेसिंग अप्रैल से फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है तो यही महीने होते हैं बाकी तो यार ठीक है यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो जिस फ्रेंड के बेबी शावर के लिए हम अभी जा रहे हैं वो मेरी ना बहुत ही पुरानी फ्रेंड है और वो लोग लंदन में रहते हैं काफी बार आए भी हुए हैं वीडियो में आई डोंट नो हम तुम इन इंग्लैंड वाली वीडियोस में आपने देखा होगा प्रियंका एंड सौरभ और उनकी छोटी सी बेटी है मिशी और ये इनका सेकेंड बेबी है वी आर सो एक्साइटेड इन लोगों से हम बहुत टाइम से नहीं मिले आई थिंक काफी फ्रेंड से हम नहीं मिल पाए क्योंकि हम लोग इंडिया चले गए थे काफी टाइम के लिए तो वही होता है इंडिया चले गए फिर आए तो कभी कुछ काम है कभी कुछ काम है और स्पेशली जब लंदन जाना होता है ना तो ऐसा लगता है यार आउट ऑफ द वे जाके जाना है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं प्रियंका से मिलने के लिए भी बहुत टाइम हो गया एक प्रॉपर कैचअप ड्यू है तो देखते हैं क्या हम मस्ती करने वाले हैं वहाँ जाके अब वीडियो में कॉमेंट्स आएंगे कि ये वाली ड्रेस अभी की कहाँ से है तो मैं सोच रही हूँ कि अब से ना जो भी मैं ड्रेसेस वगैरह स्पेसिफिकली पहनूंगी ना वो बता दिया करूंगी कि ये ड्रेस कहाँ से ली गई है तो ये वाली जो मेरी पिंक ड्रेस है ये मैंने ली है न्यू लुक से न्यू लुक पे काफ़ी अच्छी ड्रेसेस मिलती है अगर आप ढूंढ रहे हो कि कोई ओकेजन के लिए ड्रेसेस वगैरह न्यू लुक की मुझे बहुत पसंद आती है तो ये स्पेसिफिकली जो है वो न्यू लुक की है और बता देना मेरा मेकअप आज कैसा लग रहा है आज थोड़ा लाइट मेकअप किया बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि वेदर बहुत अच्छा होने वाला है हेलो गुड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ थोड़ा हो गए जायदाद का आता है सब जाएगा देख ले देर कौन सा खा तो क्या जाएगा Oh,
गया सारा। ओ क्या हो गया? रंग गए भाई, रंग गए। होली हो गई होली। मैच चला रखा है वहाँ पर। कोई भी पार्टी हो, मैच ही तो कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है। मैं कहूँ यहाँ से भीड़ कैसे लगी हुई है, तो मैच यही चल रहा है। बड़े दिनों बाद मिले सारे फ्रेंड्स। इतनी सारी कैचअप वाली बातें बची हुई है और पुरानी बातें भी भाई रिवाइज करनी पड़ रही है, मैं भूलती जा रही हूँ। यार अभी ना मैंने सैमसंग का ये वाला फोन देखा जो फोल्ड वाला आजकल बड़ा चल रहा है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सही है। देखो यहीं पे ही कैमरा है और आप ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको पता है कि आप क्या देख रहे हो एग्जैक्टली। मेरे को ले दो ये वाला। हाँ रिकॉर्ड करना है आपको यार, ये ना मतलब पकड़ने के लिए सही है। पकड़ने के लिए भी बड़ा सही है यार, छोटा सा एकदम। तो उसकी क्वालिटी और ये सब फोटो क्वालिटी सब सही है, क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है। देखो यहाँ पे देखो, पता नहीं ये वाला फोन या ये वाला फोन सही है। मेकअप की जरूरत भी नहीं है। नहीं अच्छा लग रहा है फोन, इसको खोलना एक बार खोलना। अच्छा ये ऐसे यहाँ पे खुल जाता है। ओ, सही है यार। अच्छा इसके ऊपर वो नहीं चढ़ा सकते फिर हम, केस चढ़ा सकते हैं। अच्छा यहाँ डिस्कशन चल रही है कि चाय मैं बनाऊंगा सबके लिए। नहीं नहीं देखो 100-100 पाउंड पर बंदा, चाय मेरे हाथ की, दूध मैं दूध भी मैं लेके आऊंगा। ये 500। हाँ ये कह रहा, अरे रुको। क्या कह रहा है भाई? सारे डिस्काउंट मांग रहे हैं। नहीं यार चलो चलो चाय बना दो। नहीं बना दो, मैं बना दूंगा यार, बना दूंगा। रखो पानी रखो, मैं बनाता हूँ। ये पूरे रीति रिवाज से चाय बनाते हैं और इसको अच्छा भी लगता है ना। बना दूंगा, पैसे पूरे बाद में देख लेंगे। अरे कोई नहीं, तो अंदर से ही साफ कर लेंगे।